नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीबी डॉट नेट के बारे में। वीबी डॉट नेट एक सिंपल मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। विजुअल बेसिक वीबी डॉट नेट डॉट नेट फ्रेमवर्क पर लागू एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अन्य सभी डॉट नेट भाषाओं की तरह वीबी डॉट नेट के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के लिए कंप्लीट सपोर्ट है। वीबी डॉट नेट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सभी प्रिमिटिव टाइप्स प्रकार शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, बोलियन एट्सेट्रा और यूजर डिफाइंड टाइप्स, इवेंट्स एंड असेंबलीज भी शामिल हैं। ऑल ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम दी बेस क्लास ऑब्जेक्ट। वीबी डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट के डॉट नेट फ्रेमवर्क द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क में सभी लाइब्रेरीज एक पूर्ण पहुँच है। डॉट नेट के ओपन सोर्स विकल्प पर वीबी डॉट नेट प्रोग्राम को चलाना भी संभव है, न केवल विंडोज के तहत बल्कि लिनक्स और मैक ओएस एक्स। कुछ कारण, निम्नलिखित कारणों से वीबी डॉट नेट व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोफेशनल भाषा है। अब कुछ फीचर्स है वीबी डॉट नेट के जो इसको एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज बनाते हैं। वीबी डॉट नेट है एक मॉडर्न और जनरल पर्पज लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपोनेंट ओरिएंटेड है, सीखने में आसान है, ईजी टू लर्न, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और ये इसके जो प्रोग्राम्स है वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, विभिन्न कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पर इसको रन किया जा सकता है और डॉट नेट फ्रेमवर्क का हिस्सा है। कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फीचर्स, बूलियन कंडीशंस, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है वीबी डॉट नेट में भी। जैसे जावा में हमने देखा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, वैसे इसमें भी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। सी और सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, असेंबली वर्जनिंग है, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स है, डेलीगेट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट है, ईजी टू यूज जेनरिक्स हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन है, सिंपल मल्टी थ्रेडिंग है। अब वीबी डॉट नेट के अंदर एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, हेलो वर्ल्ड का। तो वीबी डॉट नेट के प्रोग्राम में बेसिकली होता क्या क्या है? नेम स्पेस डिक्लेरेशन होता है, एक क्लास या मॉड्यूल होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर हो सकते हैं, फंक्शन या प्रोसीजर मेथड जो भी अपन बोल सकते हैं इनको, वेरिएबल्स होंगे, मेन प्रोसीजर होगा, मेन फंक्शन है वो तो होता ही होता है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस होगी, कमेंट्स होंगी। तो हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल हम देखते हैं। इसका कोड हम सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहेगा, इंपोर्ट्स सिस्टम मॉड्यूल, मॉड्यूल वन, फिर कमेंट है सिंगल कोट में, दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अभी कमेंट बनाने के अलग अलग तरीके हैं, सी, सी प्लस प्लस में, जावा में, वीबी डॉट नेट में। तो वीबी डॉट नेट में कमेंट बनाने का तरीका है सिंगल कोट, उसके बाद में जो भी लिखेंगे कमेंट आएगा। उसके बाद में मेन फंक्शन होता है, तो सब मेन, सब मेन के अंदर अपने को आउटपुट दिखाने के लिए कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए। कॉन्सोल डॉट रीड की, तो ये आउटपुट है वो कॉन्सोल पर होल्ड होके रहेगा जब तक कि हम कीबोर्ड पर कोई की नहीं प्रेस करते, जैसे सी लैंग्वेज में GTCH करते हैं। फिर मेन फंक्शन को क्लोज करना है, तो नॉर्मली पहले जो हमने लैंग्वेज पढ़ी सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनमें कर्ली ब्रेसेस होते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में नहीं है, एंड सब कर देंगे। मॉड्यूल को ऐड करना है तो वहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है, एंड मॉड्यूल कर देंगे। तो ये इस तरह से इसका सिंटेक्स रहेगा। अब जब ऊपर वाला जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रिज़ल्ट क्या देगा? रिज़ल्ट ये आएगा, हेलो वर्ड लिखा हुआ आएगा।
अब एक एक लाइन को हम समझते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम की पहली जो लाइन है वो है इम्पोर्ट्स सिस्टम। इम्पोर्ट सिस्टम क्या करेगा, प्रोग्राम में सिस्टम नेम स्पेस है उसको इंक्लूड कर लेगा, शामिल कर लेगा, उसको इम्पोर्ट करेगा, उसको शामिल कर लेगा। दूसरी लाइन है वो है मॉड्यूल की डिक्लेरेशन, मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का नाम हमने मॉड्यूल वन दे दिया है। यहाँ पर वीबी डॉट नेट पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए प्रत्येक प्रोग्राम में उस क्लास का एक मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें आपके प्रोग्राम का उपयोग करने वाले डेटा और प्रोसीजर्स हो। क्लासेज या मॉड्यूल्स में आमतौर पर एक से अधिक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर्स में एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, या दूसरे शब्दों में वे क्लास के बिहेवियर, व्यवहार को परिभाषित करते हैं। एक प्रोसीजर निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है। प्रोसीजर है उसके अंदर क्या, फंक्शन हो सकता है, सब हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, गेट हो सकता है, सेट हो सकता है, ऐड हैंडलर हो सकता है, रिमूव हैंडलर हो सकता है, रेज इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है वो सिंगल कोट, दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। इसको कंपाइलर द्वारा अनदेखा किया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, कमेंट्स होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर के यूज के लिए नहीं होते हैं, कमेंट्स होते हैं वो यूजर होता है, प्रोग्रामर होता है, उसके लिए होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, समझने के लिए होते हैं, इसलिए कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें मेन प्रोसीजर है उसको परिभाषित किया गया है। अब किसी भी लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन होता है वही उस प्रोग्राम के अंदर एंट्री पॉइंट होता है, जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मेन प्रोसीजर बताती है कि एग्जीक्यूट होने पर मॉड्यूल या क्लास क्या करेगी। नेक्स्ट लाइन है उसमें कॉन्सोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। सिस्टम नेम स्पेस में डिफाइंड कॉन्सोल क्लास का एक मेथड है, और यह स्टेटमेंट मैसेज हेलो वर्ल्ड का कारण बनता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। लास्ट लाइन है कॉन्सोल डॉट रीड की। ये क्या करता है, जब विजुअल स्टूडियो के अंदर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम लॉन्च होने पर स्क्रीन को चला के रखेगा, और जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक अपने को होल्ड करके रखेगा, आउटपुट अपने को दिखता रहेगा। अगर हम कॉन्सोल डॉट रीड की नहीं करेंगे तो वो इतनी जल्दी आउटपुट शो करके स्क्रीन ऑफ हो जाएगी कि हम देख भी नहीं पाएंगे।